क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ वायर ऑफ डेंसिटी नाइन इंटू टेन टू दी पॉर माइनस थ्री किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज ट्रस्ट बिटवीन टू क्लैम्स वन मीटर अपार्ट द रिजल्टिंग स्ट्रेन इन वायर इज फोर इंटू टेन टू दावर माइनस फोर हमें बताना है द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इन द वायर इज और यंग्स मॉडलर्स की वैल्यू हमें दे रखी है नियरेस्ट इंटीजियर वैल्यू बतानी है सवाल मुश्किल नहीं है बट सवाल लंबा है इसमें सारी चीजें जो इन्वॉल्व होती है सब इन्वॉल्व कर लिया है यहाँ पे ठीक है सो so, स्नैरियो कुछ ऐसा है कि ये आपकी वायर है जिसकी लेंथ एल है ये अपने को दिया हुआ है यंग्स मॉडल्स अपने को दिया हुआ है और स्ट्रेन जो है जिसको आप लिखते हैं डेल्टा एल बाय एल वो भी अपने को यहाँ पे दिया हुआ है और उसमें हमें बतानी है जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऐसे जनरेट होएगी आपकी वो कितनी होएगी ना यहाँ पे जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी uh, को हम लिखते हैं एफ़ विल बी इक्वल टू ऐसे लिखते हैं पहले वी इज इक्वल टू एफ लैमडा विच एम्प्लाइज फ्रीकुनसी विल बीवल टू वी डिवाइडेड बाई लैमडा ना वी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं टी बाय जो इसको ऐसे लिखते हैं वन बाय लेमडा एक काम करते हैं ऐसे और दिस विल बी इक्वल टू वन बाई लैमडा वेलोसिटी uh, को आप ले सकते हैं टी डिवाइडेड बाय म्यू और म्यू आता है आपका मास पॉइंट लेंथ और टी आपकी यहाँ पे टेंशन होएगी ठीक है सो नाउ ये आपकी फ्रीक्वेंसी uh, का फॉर्मूला होएगा और इस केस में आपकी जो लैमडा है uh, चलो लैमडा पहले सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे जो आपकी क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो बन रही है तो इसमें आपकी लेंथ जो होगी दैट विल बी इक्वल टू लैमडा बाय टू यानी कि आपकी लैमडा विल बी इक्वल टू टू एल ये वैल्यू आ जाएगी हाँ और एल अपने को वन मीटर दिया हुआ है वी कैन यूज़ दैट एयर ना टेंशन के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हमें बात पता है यंग्स मॉडल्स जो होता है यंग्स मॉडल्स उसको हम लिखते हैं आपका फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय आपका स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेन ही लिख लेते हैं इसको हालांकि right? तो ये आप इसको लिखते हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन स्ट्रेस होएगा फोर्स पॉइंट एरिया मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन और फोर्स यहाँ पे अपना होएगा टेंशन पॉइंट एरिया स्ट्रेन इस टेंशन की वैल्यू जो है इसके टर्म्स uh, में वाई के टर्म में आ जाएगी टेंशन विल बी इक्वल टू वाई मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन वाई मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन बस ये वैल्यू रख के आपकी फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन uh, स्टार्ट हो जाएगी सो एफ विल बी इक्वल टू वन बाई यानी कि टू एल मल्टीप्लाइड बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन डिवाइडेड बाय आपका म्यू अच्छा म्यू जो है उसको हम यहाँ लिखेंगे मास तो पर आपका मास मल्टीप्लाइड बाय उसकी लेंथ ऊपर आ जाएगी राइट right? अच्छा इस केस में जो मास है वो भी आपको डायरेक्ट मास नहीं दे रखा है वो हमें यहाँ पे डेंसिटी दे रखी है ठीक है सो मास विल बी इक्वल टू इसको हम लिखेंगे उसकी जो डेंसिटी है रो मल्टीप्लाइड uh, बाय उसका वॉल्यूम ना वॉल्यूम जो है उसको आप लिखोगे मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय इसका जो वॉल्यूम है उसको आप लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया हालांकि सो एरिया ए हमने यूज़ किया है तो अब जब मास को यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी वन बाय टू एल वाई ए मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन ये मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय मास की जगह हम लिख देंगे डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया सो इससे आपका लेंथ और एरिया कैंसल हो जाएगा सो so, फाइनल जो एक्सप्रेशन बच जाएगा एफ विल बी इक्वल टू वन बाय टू एल अंडर रूट में ऊपर आया वाई मल्टीप्लायड बाय स्ट्रेन डिवाइडेड uh, बाय आपकी यहाँ पे डेंसिटी जो आई है ये आपका फाइनल फार्मूला बन जाएगा इसका इसकाइट right? आप डेटा दे रखा है वो डेटा हमें डालना है सो so, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी वन बाय टू मल्टीप्लाइड बाय वन लेंथ अपनी वन मीटर है वाई uh, है नाइन इंटू टेन टू द पावर टेन नाइन मल्टीप्लाइड टेन टू द पावर टेन मल्टीप्लाइड स्ट्रेन जो है uh, वो दिया हुआ है फोर पॉइंट नाइन इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर डिवाइडेड बाय डेंसिटी अच्छा डेंसिटी जो दी है वो दी है हमें सेंटीमीटर क्यूब में सो so, ये आएगा नाइन मल्टीप्लाइड बाय टेन टू दी पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय टेन टू दी पावर सिक्स अब ये ऐसा यूनिट में मीटर पर क्यूब में कन्वर्ट हुआ है तो इसको सॉल्व कर लेना है तो ये आ गया वन बाय टू और ये नाइन से नाइन कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा टेन टू पावर क्या है आपका टेन फोर ये बचेगा सिक्स टेन टू द पावर सिक्स इससे कैंसिल हो गया ये बचा आपका 4.9 पॉइंट नाइन इंटू टेन टू दी पावर थ्री हाँ कुछ मिस तो नहीं किया हमने नहीं किया मेरे ख्याल है so, सो ये आपका आ, ये हो गया 1 बाय टू अंडर रूट फोर नाइन डबल जीरो इसका हमने अंडर रूट लेना है सो so ये इसका अंडर रूट लेंगे तो ये बचेगा आपका 70 Uh, 70 बाय टू विच विल मेक इट 35. फाइव ऑल सो बेज ऑन दिस हम कह सकते हैं जो इंटीजियर वैल्यू है आपकी वो 35 आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की